हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट वन जूलॉजी पेपर सेकंड यूनिट सेकंड चैप्टर सेकंड एम्फीबिया के अंतर्गत पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर वीडियो सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ीमल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रायगढ़, स्वागत करता हूँ। एम्फीबिया में पेरेंटल केयर का अध्ययन करने के लिए हमारा जो विषय वस्तु है वह इन बिंदुओं पर आधारित है। पहला, इंट्रोडक्शन। दूसरा, टाइप्स ऑफ पेरेंटल केयर। तीसरा, इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंटल केयर। चौथा, डेफिनेशन ऑफ पेरेंटल केयर। पांचवा, मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर, जिसके अंतर्गत हम इनडायरेक्ट केयर और डायरेक्ट केयर के बारे में अध्ययन करेंगे। छठवा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर। आइए, पेरेंटल केयर में हम सबसे पहले एम्फीबिया के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एम्फीबिया मूल रूप से जल में रहने वाले जंतुओं से विकसित हुए हैं और ये जलीय जंतु स्थल पर आने का एक लंबे समय से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन आज भी ये एम्फीबियन स्थल पर जरूर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन उन्हें जलीय आवास से पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिली है और इसीलिए उन्हें अपने जीवन के किसी न किसी अवस्था के लिए, विशेष तौर पर प्रजनन के लिए, उन्हें पानी में लौटना ही पड़ता है और प्रजनन के उपरांत ये अपने अंडे पानी पे ही देते हैं, जहां अंडों के भीतर विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती है, लार्वा का विकास होता है और वह लार्वा मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया से गुजरते हुए फ्रॉग के रूप में विकसित हो जाता है और यह फ्रॉग पुनः जमीन पर जमीनी जीवन जीने के लिए अनुकूलित हो जाता है और इसलिए हम कहते हैं कि एम्फीबियंस आर चैंड टू द वाटर, अर्थात एम्फीबिया आज भी पानी से बंधे हुए दिखाई देते हैं। क्लास एम्फीबिया के अंतर्गत तीन समूहों को रखा गया है। ये समूह क्रमशः इस तरह से हैं। पहला, एन्यूरा। इसके अंतर्गत ऐसे एम्फीबियंस आते हैं जिनकी वयस्क अवस्था में पूंछ का अभाव होता है। दूसरा, यूरोडेला। इसमें ऐसे एम्फीबियंस सम्मिलित हैं जिनकी वयस्क अवस्था में पूंछ पाई जाती है। और तीसरा, एपोडा। ये ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनमें पैर अनुपस्थित होते हैं। तो एम्फीबियंस के ये तीन अलग अलग जो समूह हैं, ये अपने अंडों की, अपने शिशुओं की देखभाल करने के लिए कई तरह की विधियों का प्रदर्शन करते हैं और इन्हीं विधियों को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। पेरेंटल केयर के द्वारा ये एम्फीबियंस न केवल अपने एग्स की देखभाल करते हैं बल्कि शिशुओं की भी देखभाल करते हैं। और यह केयर इसलिए भी आवश्यक होता है कि अंडों को और शिशुओं को उनके प्राकृतिक शत्रुओं से प्रोटेक्ट करना होता है। साथ ही साथ अंडों और शिशुओं के विकास के लिए उन्हें प्रतिकूल वातावरण से भी पूरी तरह से सुरक्षित रखना होता है और इसी प्रक्रिया को हम पेरेंटल केयर कहते हैं। पेरेंटल केयर टाइप्स। पेरेंटल केयर पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के आधार पर तीन प्रकार का होता है। पहला, यह मैटरनल केयर कहलाता है, जिसके अंतर्गत जो फीमेल है वह पेरेंटिंग का काम करती है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल की कोई भूमिका मैटरनल केयर पे नहीं हुआ करती है। दूसरा, पैटर्नल केयर। इसमें मेल पेरेंटिंग का काम करते हैं, इसमें फीमेल की कोई भूमिका या इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और तीसरे प्रकार का केयर
यह बाई पेरेंटल कहलाता है। बाई का आशय है कि मेल और फीमेल दोनों पेरेंटिंग का काम करते हैं, इस दायित्व का निर्वहन करते हैं और इस प्रकार के केयर को बाई पेरेंटल केयर कहा जाता है। आइए अब हम देखें कि पेरेंटल केयर का क्या इम्पोर्टेंस होता है। पेरेंटल केयर कुछ महत्वपूर्ण बातों पर निर्भर करता है। पहला महत्व यह है कि वास्तव में यदि हम एम्फीबियंस में देखें तो पेरेंटल केयर पेरेंट्स द्वारा उपार्जित व्यवहार होता है। हम कह सकते हैं कि पेरेंटल केयर इज एक्वायर्ड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट। दूसरा, पेरेंट्स केयर की विधि में विभिन्नता या विविधता प्रदर्शित करते हैं। पेरेंट्स शोज डाइवर्सिफाइड मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर। तीसरा, पेरेंटल केयर के द्वारा अंडों को और शिशुओं को वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनके प्रीडेटर के द्वारा। तो पेरेंट्स जब अपने शत्रुओं से अंडों और शिशुओं की रक्षा करते हैं तो यह भी एक महत्वपूर्ण विधि होती है। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फ्रॉम एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन। प्रतिकूल परिस्थितियों से रक्षा और सुरक्षा करना यह एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। पेरेंटल केयर के कारण से इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। अंडों के और शिशुओं के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं और इसे हम कहते हैं कि पेरेंटल केयर के द्वारा जीने के अवसर में वृद्धि होती है। और लास्ट है, इट इज़ द फेनोमेना ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स की ये एक प्राकृतिक जिम्मेदारी की प्रक्रिया है पेरेंटल केयर। यह हुआ इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंटल केयर। आइए पेरेंटल केयर की परिभाषा हम देखते हैं। पेरेंटल केयर मीन्स नर्सिंग, अर्थात देखभाल करना ऑफ एग्स एंड यंग वंस बाय देयर पेरेंट। अपने पेरेंट के द्वारा अंडों और अपने शिशुओं की रक्षा और सुरक्षा करने के कार्य को पेरेंटल केयर कहा जाता है। अंडों व शिशुओं का पेरेंट्स के द्वारा तब तक देखभाल करना जब तक वे स्वतंत्र जीवन यापन करने और शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाते, यह प्रक्रिया पेरेंटल केयर कहलाती है। पेरेंटल केयर को अन्य तरीकों से भी परिभाषित किया जा सकता है। एनी बिहेवियर, किसी भी तरह का व्यवहार, एनी बिहेवियर पैटर्न इन विच ए पेरेंट इन्वेस्ट टाइम एंड एनर्जी इन फीडिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर एग्स एंड यंग वंस इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। अर्थात पेरेंट्स का वह व्यवहार जिसमें अपने अंडों, शिशुओं की सुरक्षा एवं भोजन हेतु समय और श्रम का नियोजन किया जाता है, यह पैतृक रक्षण कहलाता है। एन एसोसिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग्स सो एज टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस। अर्थात पेरेंट्स एवं शिशुओं के मध्य का वह पारस्परिक संबंध जिसमें शिशुओं के जीवित रहने के अवसर बढ़ जाते हैं, यह भी पेरेंटल केयर कहलाता है। नेक्स्ट, ऑल द पोस्ट स्पॉनिंग केयर अफोर्डेड बाय द पेरेंट्स इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। पेरेंट्स द्वारा अंडे देने के बाद उनकी की जाने वाली देखभाल संबंधी व्यवहार पेरेंटल केयर कहलाता है। हम इस तरह से भी पेरेंटल केयर को डिफाइन कर सकते हैं, टेकिंग केयर आर गिविंग मच अटेंशन ऑन एग्स एंड यंग वंस इज कॉल्ड पेरेंटल केयर। ये पेरेंटल केयर की परिभाषा हुई। पेरेंटल केयर के मेथड्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
तो मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर, यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार यह इनडायरेक्ट केयर कहलाता है तथा दूसरा डायरेक्ट केयर कहलाता है। इनडायरेक्ट केयर का आशय यह है कि अंडों और शिशुओं को शरीर से परे रख करके उनकी देखभाल करना, उनकी नर्सिंग करना, यह इनडायरेक्ट केयर कहलाता है। जबकि डायरेक्ट केयर में अंडों को अपने शरीर के साथ रखते हुए या शरीर के किसी भाग पर संलग्न रखते हुए उनकी पेरेंटिंग करना, उनकी नर्सिंग करना, यह डायरेक्ट केयर कहलाता है। इनडायरेक्ट केयर यह 5 विधियों के द्वारा एम्फीबियंस में देखने को मिलता है। पहला मड नेस्ट, दूसरा फोम नेस्ट, तीसरा ट्री नेस्ट, चौथा जिलेटिनस बैग और 5वां है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। डायरेक्ट पेरेंटल केयर के 7 मेथड्स एम्फीबियंस में देखने को मिलते हैं। पहला क्वाइलिंग अराउंड द एग मास, दूसरा बाइंडिंग या स्टिकिंग एग्स ऑन बॉडी, तीसरा ब्रूड पाउच, चौथा डॉर्सल पिट, 5वां कैरिंग एग्स, 6वां ओवो विविपेरिटी या विविपेरिटी और 7वां है ट्रांसफरिंग द लार्वा टू वाटर। आइए अब हम इनडायरेक्ट पेरेंटिंग के बारे में अध्ययन करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जो पहला मेथड है ये कहलाता है मड नेस्ट। मड का आशय है कीचड़, नम और दलदल स्थानों पर नेस्ट बनाने की प्रक्रिया और उसके द्वारा अपने अंडों की देखभाल करने की प्रक्रिया को हम मड नेस्ट पेरेंटिंग कहते हैं। तो मड नेस्ट, आइए कुछ उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। मड नेस्ट हम हाइला फेबर में देखते हैं। हाइला फेबर, इसमें फीमेल यह मड नेस्ट बनाने का कार्य करती है। वह जलाशयों के उथले, नम और दलदल सतह पर गोलाकार मड नेस्ट बनाती है। मड नेस्ट के किनारे, उनके जो बॉर्डर होते हैं, वो पानी की सतह से थोड़ा ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, जिससे पानी की लहरें इस मड नेस्ट के अंदर नहीं जा पाती हैं। मड नेस्ट बनाने के बाद फीमेल इन मड नेस्ट में अंडे देती है जो जलीय परभक्षियों से पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। मड नेस्ट में रहते हुए अंडों के भीतर लार्वा का विकास होता है और जब लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो हैच करके अंडों से बाहर आते हैं और बारिश के पानी में बहते हुए वे सुरक्षित रहते हुए जलाशय में पहुंच जाते हैं, जहां उनका आगामी विकास और मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये उथले मड नेस्ट यहाँ पर बनाए गए हैं और मड नेस्ट की जो दीवार होती है ये सतह से थोड़ी ऊपर की ओर उभरी हुई या उठी हुई होती है और ये हिस्सा कीचड़ में बनाया जाता है और इसी मड नेस्ट में जो फीमेल होती है अपने अंडे देती है। जब इन अंडों से विकास की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, लार्वा यहाँ से निकलते हैं और बारिश का पानी इन्हें बहा करके वापस जलाशय में या वाटर बॉडीज में छोड़ देती है, जहाँ उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। तो इस चित्र में हम मड नेस्ट को देख सकते हैं और इसी मड नेस्ट का निर्माण फ्रॉग के द्वारा किया जाता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं रेकोफोरस। रेकोफोरस भी मड नेस्ट का निर्माण करता है। अंतर ये होता है कि रेकोफोरस ये जलाशय के तट पर, तट का मतलब उसके बैंक पर, पानी की सतह से थोड़ा ऊपर नरम मिट्टी में मड नेस्ट का निर्माण करता है और इस मड नेस्ट में अंडे दिए जाते हैं। अंडों में विकसित लार्वा जलाशय में कूद जाते हैं और इस तरह रेकोफोरस पॉन्ड के बैंक पर बरो या मड नेस्ट बना करके अपने अंडे देता है,
जहां अंडे पूरी तरह से उनके प्रीडेटर से और प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षित रहते हैं। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये पानी की सतह है और पानी की सतह से थोड़ा ऊपर ये नेस्ट यहाँ पर बनाया गया है और यह नेस्ट मड के भीतर की ओर धंसने के कारण से बनाया गया है और इस नेस्ट के अंदर अंडे दिए जाते हैं जहाँ उनका विकास होता है और अंडों से जब लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो इस मड नेट से जंप करके वो जलाशय में चले जाते हैं। तीसरा उदाहरण हम लेते हैं डेस्मोग्नेथस का। डेस्मोग्नेथस भी एक एम्फीबियन है। यह जलाशय के समीप नम भूमि पर अंडरग्राउंड, ध्यान देंगे ये अंडरग्राउंड बरो लाइक नेस्ट बनाते हैं और इसी नेस्ट में अंडे दिए जाते हैं। कभी कभी यह डेस्मोग्नेथस अपने अंडों को जलाशय के चट्टानों के नीचे जहां दरार इत्यादि होती है, जहां छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, साथ ही साथ जहां पर एल्गी बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी जो एक्वेटिक वीड्स हैं वो डिकम्पोज होते रहते हैं, ऐसे अपघटित होने वाली वानस्पतिक अवशेषों पर भी ये अंडे देते हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये देखते हैं कि मड के द्वारा, मड का इस्तेमाल करते हुए या मड में नेस्ट बनाया जाता है और उसमें अंडे देकर उनकी सुरक्षा की जाती है। यह सुरक्षा प्रीडेटर से और प्रतिकूल वातावरण से होती है। दूसरे प्रकार का नेस्ट यह फोम नेस्ट कहलाता है। फोम का आशय होता है झाग, बुलबुले जैसा। उदाहरण से हम इनको समझते हैं। रेकोफोरस लेजिली यह एक तरह का एम्फीबियन है जो मेल और फीमेल जिस समय कॉपुलेशन की स्टेटस में होते हैं उस समय फीमेल अपने क्लोएका से बहुत अधिक मात्रा में एक चिपचिपा पदार्थ सीक्रीट करती है और उस चिपचिपे पदार्थ को वह फीमेल अपने पिछले पैरों से मथ करके फोम जैसी रचना का निर्माण करती है और यह जो फोम होता है उस फोम को मेल और फीमेल इसके बैंक पर, तालाब के या जलाशय के मार्जिन पर, पानी की सतह से थोड़ा ऊपर एक बरो जैसी रचना बनाते हैं। ये नेस्ट जैसी रचना यहाँ पर बनाते हैं। तो जो फोम जैसा पदार्थ होता है उस पदार्थ को फीमेल इसके अंदर भर देती है और भरने के बाद उसमें अपने अंडे भी दे देती है। इस तरह ये जो अंडे होते हैं ये फोम के द्वारा सुरक्षित रहते हैं, फोम के द्वारा घिरे हुए होते हैं। तो इस प्रकार जो फोम नेस्ट होता है वह फोम नेस्ट डिस्टेस्टफुल होने के कारण वह परभक्षियों से और साथ ही साथ प्रतिकूल वातावरण से इन अंडों की रक्षा और सुरक्षा करता है। तो जिस समय फीमेल के द्वारा अंडे दिए जाते हैं वे अंडे उसी नेस्ट के अंदर विकसित होते हैं और जब अंडों के अंदर लार्वा का विकास हो जाता है तो वो लार्वा जलाशय में चले जाते हैं जहां उनके आगामी विकास की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पर ध्यान हम ये देंगे कि फोम का निर्माण करके नेस्ट में उसको भर दिया गया है और उसमें अंडे दिए गए हैं, तो इस प्रकार के नेस्ट को फोम नेस्ट कहा जाता है। ये फोम नेस्ट फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये बरो के अंदर होता है इसलिए ये फिक्स्ड होता है। आइए दूसरे प्रकार के फोम नेस्ट के बारे में हम देखें। इसे हम फ्लोटिंग नेस्ट कहते हैं। फ्रॉग की कुछ प्रजातियों में अंडों को फोम नेस्ट में दिया तो जाता है, लेकिन ये जो फोम नेस्ट होते हैं वो जल में स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं और पानी में हल्के होने के कारण से ये फोम नेस्ट फ्लोट करते हुए, तैरते हुए सुरक्षित रहते हैं और इन फोम नेस्ट के अंदर अंडे सुरक्षित रहते हुए उनका विकास यहाँ पर पूर्ण होता है और जब अंडों के भीतर लार्वा का विकास पूर्ण हो जाता है वो हैच करके बाहर पानी पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं कि ये फोम या झाग जैसी रचना यहाँ पर निर्मित हुई है और इस फोम के अंदर
है ना, इस फोम के अंदर ये अंडे रखे गए हैं, निषेचित अंडे रखे गए हैं। और ये फोम चूंकि पानी से हल्का होता है इसलिए ये पानी में तैरते रहता है, और तैरते हुए इनके अंदर जो अंडे हैं वो न केवल सुरक्षित रहते हैं बल्कि उनके अंदर विकास की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहती है। और अंडों के अंदर जब लार्वा का विकास पूर्ण हो जाता है, लार्वा हैच करके अंडों से बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद ये पौंड में या जलाशय में चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। आइए तीसरे प्रकार के इनडायरेक्ट केयर के बारे में हम देखें, और यह है ट्री नेस्ट, अर्थात पेड़ों के किसी न किसी भाग का उपयोग करते हुए अंडों की सुरक्षा करना, ये ट्री नेस्ट फॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। और वास्तव में ये जो ट्री नेस्ट होते हैं ये इनके माइक्रो हैबिटेट होते हैं, इन्हें हम अल्टरनेट या वैकल्पिक आवास या हैबिटेट भी कह सकते हैं। आइए हम देखें कि ट्री नेस्ट के अंतर्गत ट्री के किन किन भागों का उपयोग पेरेंटल केयर के लिए किया जाता है। तो पहले प्रकार को हम लीफ नेस्ट के रूप में अध्ययन करते हैं। तो ट्री के लीफ को प्रयोग किया जाता है नेस्ट बनाने के लिए, इसे हम लीफ नेस्ट कहते हैं। लीफ नेस्ट के लिए जो एक्वेटिक प्लांट हैं उनके पॉन्ड के मार्जिन पर या जलाशय के किनारे पर जो पेड़ लगे हुए होते हैं उनकी टहनियां या उनकी डालियां पानी पर झुकी हुई होती हैं, और डालियों के साथ ही साथ उनकी पत्तियां भी पानी के करीब झुकी हुई होती हैं। तो ट्री नेस्ट वास्तव में क्या है, हम देखें। ट्री नेस्ट ये पानी में झुकी हुई पेड़ों की पत्तियों के मार्जिन को ऊपर की ओर मोड़कर शरीर द्वारा स्रावित चिपचिपे द्रव से चिपका दिया जाता है, जिससे पत्ती का आकार प्यालेनुमा हो जाता है। इसमें फीमेल झाग युक्त फोम युक्त अंडे देती हैं, अंडों से लार्वा विकसित होकर पानी में गिर जाते हैं तथा उनका आगामी विकास जल में ही पूर्ण होता है। जलाशयों के किनारे जो पेड़ इत्यादि होते हैं उनकी टहनियाँ जो पानी के करीब झुकी हुई होती हैं, यह फाइलोमेड्यूसा उन पत्तियों के मार्जिन को ये भीतर की तरफ मोड़ता है, और भीतर की तरफ मोड़ते हुए यह उनके मार्जिन को ग्लू के द्वारा या चिपचिपे पदार्थ के द्वारा चिपका देता है, जिससे इस पत्ती का आकार प्याले के समान हो जाता है। उसके उपरांत फीमेल झाग युक्त अंडे इस प्याले नुमा लीफ के सतह पर देती है, और ये अंडे इसी फोम के अंदर लीफ पर रहते हुए विकसित होते हैं। और जब इन अंडों से लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो यहाँ से जंप करके वो जलाशय पे चले जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि जलाशय के किनारे ये एक ट्री है, और ट्री की यह टहनी पानी की ओर झुकी हुई है, और इसकी पत्ती पानी की सतह के काफ़ी करीब है। तो जो फाइलोमेड्यूसा है वह इन पत्तियों के मार्जिन को भीतर की तरफ मोड़ करके कप जैसी रचना बना लेता है, और उसमें झाग युक्त अंडे डिपॉजिट कर देता है। इन्हीं कप शेप्ड लीफ नेस्ट में अंडों का विकास होता है, और विकसित होने के बाद जो लार्वा होते हैं वो जलाशय पर कूद जाते हैं या बारिश का पानी इन्हें जलाशयों तक पहुंचा देता है। चूंकि यहाँ पर पत्ती का इस्तेमाल नेस्ट बनाने के लिए किया जा रहा है इसलिए इस तरह के नेस्ट को लीफ नेस्ट कहा जाता है। आइए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, यह है रेकोफोरस मालाबारिकस और इसी तरह से हाइलोडस। ये जो फ्रॉक्स होते हैं ये भी लीफ को नेस्ट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। पत्तियां जो पानी की सतह पर झुकी हुई होती हैं उनकी सतह पर फीमेल
अपने अंडों को चिपका देती है, जहां लार्वा विकसित होने के बाद पानी में गिर जाते हैं या पानी में चले जाते हैं और उनका आगामी विकास पानी पे ही होता है। यहाँ पर लीफ नेस्ट की इस प्रक्रिया में थोड़ी विभिन्नता है। यहाँ पर जो रेकोफोरस और हाइलोडस जैसे फ्रॉक्स होते हैं, वो अपने अंडों के समूह को पत्ती की सतह पर चिपका देते हैं और चिपकाने के बाद इसके ऊपर एक झाग जैसा पदार्थ भी छोड़ देते हैं। तो ये अंडे मजबूती के साथ इस पत्ती की सतह पर चिपके हुए होते हैं और इसी दरमियान अंडों के भीतर विकास की प्रक्रिया क्रमिक रूप से जारी रहती है और जब अंडों के भीतर लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो हैच करके जलाशय पर चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास होता है। तो लीफ की सतह को ये नेस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, शूट नेस्ट ट्राइटॉन। ये एम्फीबियन जलाशय तथा उसके मार्जिन में शूट्स को, शूट्स माने छोटे छोटे तने के भाग को आपस में फिक्स करके, उन्हें आपस में चिपका करके शूट नेस्ट का निर्माण करता है और उसमें अपने अंडे देते हैं। अंत में इस शूट नेस्ट को एक जिलेटिनस सिक्रीशन के द्वारा कवर्ड कर दिया जाता है और इस तरह जो अंडे होते हैं वो इसी शूट नेस्ट के अंदर सुरक्षित होकर विकसित होते हैं। तो ट्राइटॉन ये क्या करता है कि जो एक्वेटिक वेजिटेशन है, जो पानी पे है या मार्जिन पर हैं, उनको आपस में एक दूसरे के करीब ला करके फिक्स करता है और फिक्स करने के बाद वह इनके बीच में नेस्ट बनाता है और इस नेस्ट को ही कहा जाता है शूट नेस्ट। और इस शूट नेट्स में फीमेल अपने अंडे देती है जहां अंडों का विकास होता है और अंडे से जब लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो इस शूट नेट्स को छोड़ करके जलाशय में चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि शूट्स को, जो कि एक्वेटिक वीड्स हैं, इनको फिक्स करके ये शूट नेट्स का निर्माण किया गया है और इसमें अंडे दिए गए हैं। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि मार्जिन पर जो वेजिटेशन है, इनके शूट्स को परस्पर फिक्स करके शूट नेट्स का निर्माण किया गया है और यहाँ पर अंडे दिए गए हैं। तो यदि शूट का इस्तेमाल करते हुए नेस्टिंग की जाती है, नेस्ट बनाया जाता है, तब उस प्रकार के नेस्ट को शूट नेस्ट कहा जाता है और ये हमें ट्राइटॉन के केस में देखने को मिलता है। तीसरा, होल नेस्ट। पेड़ों की टहनियों पर या डगालों पर जो प्राकृतिक होल होते हैं, छेद होते हैं, उनका उपयोग भी नेस्ट के रूप में किया जाता है, इसे होल नेस्ट कहा जाता है। आइए हम देखें हाइला स्पीशीज में। तो हाइला स्पीशीज, यह जलाशय के किनारे स्थित वृक्षों के होल्स को, छेदों को नेस्ट के रूप में उपयोग करती है। अंडे देने से पहले उसे फोम से पूरी तरह भर दिया जाता है, तत्पश्चात फीमेल उसमें फर्टिलाइज अंडों को डिपॉजिट करती है। अंडों से विकसित लार्वा या तो बारिश के पानी के साथ या ये स्वयं जलाशय में कूद करके पानी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में हम देख रहे हैं पेड़ की टहनियों में ये खोखली जगह है और इसे नेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अंडे देने से पहले फीमेल इस नेस्ट को फोम या झाग के द्वारा पूरी तरह से भर देती है और भरने के बाद उसमें निषेचित अंडों को छोड़ देती है और इस तरह अंडों का विकास यहाँ पर होता है। और जब लार्वा विकसित हो जाते हैं तो पेड़ों की सतह से बहने वाला बारिश का पानी उन्हें बहा करके इस पॉन्ड में छोड़ देता है या कभी कभी ये लार्वा स्वयं हैच करने के बाद कूद करके पॉन्ड में चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। दूसरा उदाहरण हम देखें हाइला रेजिन फैक्ट्रीज का। हाइला रेजिन फैक्ट्रीज भी होल नेस्ट का निर्माण करती है
और अंडों को वहीं सुरक्षित रखती है, लेकिन हाइला स्पीशीज की तुलना में इसकी प्रक्रिया कुछ अलग होती है। हाइला रेजिन फिक्ट्रिक्स यह भी जलाशयों के किनारे स्थित वृक्षों पर बने कैविटीज को या गड्ढों को नेस्ट के रूप में उपयोग करती है। अंडे देने से पहले ध्यान देंगे, अंडे देने से पहले फीमेल उसे हनी बी माने मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उस छत्ते से वैक्स या मोम ला करके उस ट्री की कैविटी के भीतर की सतह की कोटिंग करता है और उसे वाटरप्रूफ बनाया जाता है। तो जब होल नेस्ट वैक्स के द्वारा इनर कोटिंग करके वाटरप्रूफ बना दिया जाता है, उसके पश्चात बारिश होने पर उस वाटरप्रूफ कैविटी में पानी भर जाता है और पानी भर जाने के बाद फीमेल उसमें अंडे देती है। इस तरह अंडे जलाशयों में रहने वाले जो परभक्षी हैं, प्रीडेटर्स हैं, उनसे पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं और अंडों से लार्वा का विकास होने के बाद वो सीधे सीधे जलाशयों पर कूद जाते हैं या जलाशयों पर चले जाते हैं या बारिश का पानी उन्हें बहा करके जलाशयों तक छोड़ देता है जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। चौथा, जिलेटिनस बैग। ये एक तरह के पर्स जैसी रचनाएं हैं जिसके अंदर निषेचित अंडों को रखा जाता है। आइए हम देखें, फ्राइनिजेलस बिरोई ये एम्फीबियन है। इसमें जो फीमेल है, फीमेल फ्रॉग, अपने सिक्रीशन के द्वारा एक तरह का पारदर्शी सॉसर के आकार का जिलेटिनस बैग का निर्माण करती है और बैग निर्मित होने के बाद फीमेल उसमें निषेचित अंडे देकर पानी में स्वतंत्र छोड़ देती है। इस तरह जिलेटिनस बैग में अंडे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए विकसित होते हैं। जब अंडों से लार्वा का विकास पूर्ण हो जाता है, ये लार्वा बैग को फाड़ करके जलाशय में स्वतंत्र हो जाते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये एक जिलेटिनस बैग है जिसे फीमेल फ्रॉग के द्वारा निर्मित किया गया है और इस बैग के अंदर निषेचित अंडे रखे हुए हैं और ये अंडे युक्त जो जिलेटिनस बैग है वो पानी में स्वतंत्रतापूर्वक तैरते रहते हैं और इसी दरमियान इनमें लार्वा के विकास की प्रक्रिया भी जारी रहती है। दूसरा उदाहरण हम लें सेलामेंड्रेला। सेलामेंड्रेला में जो जिलेटिनस बैग होता है वह पानी में स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता है, बल्कि उसे किसी एक्वेटिक वीट के साथ बांध दिया जाता है, उसके साथ चिपका दिया जाता है और बैग बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह फ्राइनिजेलस बिरोई की ही तरह होती है। जो स्मॉल एक्वेटिक फीमेल सेलामेंडर है अपने अंडों को जिलेटिनस बैग में देने के बाद उसे किसी एक्वेटिक प्लांट या वीट से बांध देती है। इसके भीतर अंडे पूरी तरह से सुरक्षित रहते हुए विकसित होते रहते हैं। लार्वा जब पूरी तरह विकसित हो जाते हैं तो ये जिलेटिनस बैग को फाड़ करके बाहर जलाशय में स्वतंत्र हो जाते हैं और जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। पांचवा हम देखेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। बहुत सारे फ्रॉक्स ऐसे होते हैं जो अपने ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया का निर्धारण करते हैं। जो एरिया उनके लिए सुरक्षित होता है उसे उसका चयन करते हैं और उसे ही कहा जाता है ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। और इस ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया का निर्धारण करने के बाद वे उस क्षेत्र में अन्य जंतुओं को प्रवेश करने से रोकते भी हैं और इसी सुरक्षित क्षेत्र में फीमेल अपने अंडे देती है, जहां पर अंडे सुरक्षित रहते हुए उनके अंदर लार्वा का विकास पूर्ण होता है। तो अपने ब्रीडिंग एरिया का निर्धारण करके उसकी रक्षा और सुरक्षा करना यह कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड एरिया। पेरेंटल केयर की दूसरी विधि यह है डायरेक्ट पेरेंटल केयर।
अर्थात अंडों को अपने शरीर से या शरीर के किसी भाग पर रखते हुए उनकी रक्षा और सुरक्षा करते हुए उन्हें विकसित होने देने की प्रक्रिया को डायरेक्ट पेरेंटल केयर कहा जाता है। आइए हम देखें डायरेक्ट पेरेंटल केयर किस किस तरह से एम्फीबियंस में संपन्न होते हैं। पहला, बाय कॉइलिंग अराउंड द एग मास, अर्थात अंडों के चारों ओर कुंडलित तो होकर उनकी रक्षा और सुरक्षा करना। उदाहरण है इक्थियोफिस, ये एपोडा का जंतु है। इनमें वयस्क में पैर नहीं पाए जाते हैं, ये वर्म लाइक एम्फीबियंस होते हैं। इसी तरह एम्फ्यूमा, सेलामेंड्रा, प्लेथेडॉन, इनमें फीमेल नम स्थानों पर बिल बना करके उसमें अंडे देती है, तथा दिए गए अंडों के चारों ओर वह कुंडली बना करके लिपटे रहती है और इसी तरह वह उनकी सुरक्षा भी करती है। वह अंडों को हैचिंग से पहले जलाशय में छोड़ देती है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये इक्थियोफिस का चित्र है। यह इक्थियोफिस अंडे के चारों ओर कुंडलित बना करके बैठी हुई है और इस तरह अपने अंडों की रक्षा और सुरक्षा कर रही है, उसकी नर्सिंग और पेरेंटिंग कर रही है। दूसरी विधि है बाइंडिंग या स्टिकिंग एग्स ऑन बॉडी, अंडों को शरीर से बांध लेना या अंडों को शरीर पर चिपका लेना, यह पेरेंटल केयर की दूसरी विधि है। उदाहरण हम देखें, जो एलाइटिस टोड है, ये एक तरह का टोड है एलाइटिस, मेल अपने अंडों को अपने पिछले पैरों के पास चिपका लेता है और जब अंडों से लार्वा बाहर निकलने वाले होते हैं तब वह पानी में डुबकी लगाकर उन्हें पानी में छोड़ देता है। इस तरह लार्वा पानी में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। तो अंडों को अपने शरीर से चिपका करके रखना एलाइटिस में हमें देखने को मिलता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि निषेचित अंडे मेल अपने दोनों पैरों के बीच में यह उसे चिपका करके रखता है और जब अंडों के अंदर लार्वा का विकास पूर्ण हो जाता है, वो हैच करने वाले होते हैं, तब ये जलाशय के अंदर डुबकी लगाता है और सारे के सारे जो लार्वी होते हैं वो जलाशय में चले जाते हैं, पानी में चले जाते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ पर और भी देख रहे हैं, ये है डेस्मोग्नेथस। ये अपने अंडों को अपने सिर के चारों ओर चिपका करके रखता है और इस तरह वह उनकी रक्षा और सुरक्षा भी करता है। डायरेक्ट पेरेंटल केयर का तीसरा प्रकार है डॉर्सल पिट। शरीर के डॉर्सल साइड पर छोटी छोटी कैविटी या कप में अंडों की रक्षा और सुरक्षा करना यह डॉर्सल पिट के पेरेंटिंग कहलाती है। ब्रीडिंग पीरियड में फीमेल फ्रॉग की कोमल पीठ पर छोटे छोटे पॉकेट्स या पिट बन जाते हैं जिनमें मेल फर्टिलाइज एग को शिफ्ट कर देता है, रख देता है। इन पिट्स में ही अंडों में डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस दोनों प्रक्रियाएं पिट के अंदर ही पूर्ण होती हैं, तथा मेटामॉर्फोसिस के उपरांत जो शिशु फ्रॉग बाहर निकलते हैं वो पिट से बाहर आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। तो डेवलपमेंट और मेटामॉर्फोसिस दोनों ही पिट के अंदर पूर्ण होती है। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि फ्रॉग के शरीर के ये डॉर्सल साइड पर इस तरह के छोटे छोटे कप जैसे कैविटी बनी है, इन्हीं को पिट कहा जाता है। ठीक है, तो फीमेल के डॉर्सल साइड पर यह पिट होती है जिनमें मेल फर्टिलाइज एग को इसके अंदर रख देता है और फीमेल की पीठ पर बने पिट में ही इन अंडों का डेवलपमेंट होता है और मेटामॉर्फोसिस की भी क्रिया यहाँ पर होती है। और जब शिशु फ्रॉग, ये जिसको हम फ्रॉगलेट कह सकते हैं, जब उनका निर्माण और विकास होता है तो वो इस पीठ से बाहर आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। चौथी विधि ब्रूट पाउच। शरीर के किसी भाग को यदि ब्रूडिंग के लिए उपयोग किया जाता है और पेरेंटिंग की जाती है तो इसे कहा जाता है
पेरेंटिंग बाय ब्रूट पाउच। आइए कुछ उदाहरण के द्वारा हम इसे समझते हैं। पहला, वोकल सैक। इसको ब्रूट पाउच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राइनोडर्मा डार्विनी, ये एक तरह का फ्रॉग है। मेल अपने मुंह में कुछ फर्टिलाइज एग को रख लेता है और रखने के बाद उसे वोकल सैक में तब तक रखा रहता है जब तक उनकी पूरी तरह से हैचिंग नहीं हो जाती है, और हैचिंग होने के बाद वो जो लार्वा होते हैं या स्मॉल फ्रॉग्स होते हैं वो वोकल सैक से बाहर निकल आते हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं ये वोकल सैक है और इस वोकल सैक में अंडे रखे हुए थे और उन अंडों से फ्रॉगलेट्स, शिशु फ्रॉग का विकास हुआ है और विकसित होने के बाद ये फ्रॉग उसके माउथ से बाहर आकर के स्वतंत्र हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण आप देखें, स्टमक। स्टमक को ब्रूट पाउच के रूप में इस्तेमाल करना, अर्थात अंडों में शिशुओं या लार्वा का विकास स्टमक में होता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें रियोबैट्रेकस सिलस, ये फर्टिलाइज एग को अपने स्टमक में पूरी तरह से सुरक्षित रखती है और स्टमक में रहते हुए उनका पूरा विकास हो जाता है, और जिस समय अंडों से हैच करके लार्वा बाहर आने को होते हैं तब वह जलाशय में पहुंच करके गर्गिटेट करना माने उल्टी करना, तो गर्गिटेट करके वह उन्हें पानी में छोड़ देती है। तो इस तरह से उनके जो यंग वंस और उनके जो लार्वी होते हैं ये लार्वी पानी पर जलाशय पर पहुंच जाते हैं। इस चित्र पे हम देख सकते हैं ये स्टमक है और स्टमक के भीतर ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ हो रहा है, और उसके बाद जब शिशुओं का विकास हो जाता है तो ये उन्हें गर्गिटेट करके उल्टी करके जो फ्रॉगलेट्स होते हैं, है ना, जो फ्रॉगलेट्स होते हैं उनको माउथ से बाहर निकाल देती है। तो स्टमक यह ब्रूट पाउच के रूप में काम करता है। तीसरा हम देखें स्पेशल पाउच इन स्किन, त्वचा पर विशेष तरह के पाउच का निर्माण। नोटोडर्मा मार्सुपियम, यह सामान्य तौर पर न्यू वर्ल्ड मार्सुपियल फ्रॉग कहलाता है। इसके डॉर्सल स्किन पर विशेष प्रकार का पाउच होता है। यहां ध्यान देंगे ये कैविटी नहीं है, ये पाउच है जो एक छिद्र के द्वारा क्लोएका के करीब खुलता है। फर्टिलाइज्ड एग इस पाउच में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जहां उनका विकास होता है, और इनमें से जो टेटपोल लार्वा विकसित होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इनकी त्वचा है, डॉर्सल साइड पर त्वचा है, तो त्वचा पर एक बैग जैसी रचना ये विकसित होती है और यह बैग जैसी रचना क्लोएका के फ्रॉग के क्लोएका के करीब खुलती है, और इसी स्पेशल पाउच में अंडे, निषेचित अंडे रखे जाते हैं जहां इनका विकास होता है, और विकास होने के पश्चात जब इनसे टेटपोल लार्वा निर्मित होते हैं, ये टेटपोल लार्वा इस पाउच से बाहर निकल करके जलाशय में चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। तो इस चित्र में हम देख सकते हैं ये उसके स्किन का डॉर्सल साइड है जहां अंडे रखे गए हैं और इन अंडों में विकास की प्रक्रिया हो रही है, और जब अंडों में लार्वा विकसित हो जाते हैं तो वो इस अपर्चर से होकर के पाउच से बाहर आकर के जलाशय में चले जाते हैं जहां उनका आगामी विकास पूर्ण होता है। पांचवा डायरेक्ट पेरेंटिंग का यह है कैरिंग एग्स। अंडों को अपने शरीर पर रख करके घूमते फिरते रहना। उदाहरण हाइला गोल्डी, ये अपनी पीठ पर अंडों को रख करके उनकी रक्षा और सुरक्षा करती है, और इन्हीं अंडों पर इसी दशा में लार्वा का विकास भी होता है। छठवीं विधि यह ओवो विविपेरिटी कहलाती है। इसे हम विविपेरिटी के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं। विविपेरिटी का आशय है शिशुओं को जन्म देना। उदाहरण के तौर पर सेलामेंड्रा डर्मोफिस आदि में
जो फीमेल होती हैं वो अपने अंडों को ओविडक्ट में, प्रजनन संस्थान का एक भाग है ओविडक्ट, उसमें रखती हैं, और ओविडक्ट में रहते हुए अंडों के भीतर शिशुओं का विकास होता है, और जब शिशु पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो वो ओविडक्ट से निकल करके शरीर से बाहर आ जाते हैं, और इस तरह जो फीमेल होती है वह शिशुओं को जन्म देती है। तो शिशुओं को जन्म देने की प्रक्रिया को ही विविपेरिटी कहा जाता है। और सातवां है ट्रांसफरिंग द लार्वा टू द पॉन। अंडों से लार्वा का विकास कहीं और होता है, किसी दूसरी जगह पर होता है, और उसके बाद पेरेंट अंडों से निकले लार्वा को अपने शरीर का उपयोग करते हुए उन्हें पॉन्ड में या जलाशय पर ट्रांसफर कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं ट्रांसफरिंग द लार्वा टू पॉन्ड। उदाहरण है फाइलोबेटस, पेलोबेटस, ये फ्रॉग अपने अंडे जमीन में नम स्थान पर देते हैं। अंडों से लार्वा निकलने के बाद ये पेरेंट लार्वा को अपने विशेष प्रकार के चूषक युक्त माउथ के द्वारा शरीर से चिपका लेते हैं, जिन्हें पेरेंट जलाशय में ले जाकर के छोड़ देते हैं। तो अंडे किसी अन्य स्थान पर दिए जाते हैं, और इन अंडों से जब लार्वा विकसित होते हैं तो वो उन लार्वा को पेरेंट अपने शरीर पर चिपका लेती है, और चिपकने के लिए लार्वा का जो माउथ होता है वह चूषक प्रकार का होता है, जिसके द्वारा वो अपने पेरेंट की बॉडी से चिपक जाता है, और चिपकने के बाद यह पेरेंट जलाशय में चला जाता है, और जाने के बाद ये जो लार्वा होते हैं वो जलाशय में स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तरह लार्वा पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। लास्ट में हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर के क्या क्या लाभ हैं और क्या क्या उनकी हानियां हैं। मेरिट्स में पेरेंटल केयर के द्वारा जीने के जो अवसर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा, अंडों के विकास के लिए या शिशुओं के विकास के लिए उन्हें अनुकूल वातावरण भी उपलब्ध हो जाता है। ये दो महत्वपूर्ण मेरिट्स हैं या फायदे हैं। डीमेरिट्स में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो इस तरह से हैं, गिव मच अटेंशन ऑन सेल्फ। पेरेंट्स होते हैं उन्हें अपना ध्यान रखने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिलता है। दूसरा, स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर पेरेंट्स। पेरेंटिंग की जो अवधि होती है वह पेरेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल या तनावपूर्ण भरा समय होता है। तीसरा, डिक्रीज द टाइम फॉर सेल्फ केयर। पेरेंट्स को अपनी देखभाल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिसके कारण से पेरेंट की जो ग्रोथ होती है, पेरेंट्स का जो विकास होता है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, डिक्रीज द सर्वाइवल ऑफ द पेरेंट्स। पेरेंट्स के जीने के अवसर भी कम हो जाते हैं, उनमें कमी आ जाती है। एंड लास्ट, इंक्रीज द नेक्स्ट ब्रीडिंग टाइम। लंबे समय तक अंडों और शिशुओं की देखभाल में नियोजित रहने के कारण से इनका जो आगामी ब्रीडिंग टाइम होता है वह इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। और भी कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, डिस्टर्ब द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेरेंट। तो पेरेंट की जो अन्य जैविक क्रियाएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन आ जाता है, और पेरेंट्स कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो इस तरह से हैं। क्वेश्चन वन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इनडायरेक्ट पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायरेक्ट पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। थर्ड, एक्सप्लेन नेस्टिंग इन एम्फीबिया। एंड फोर्थ, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन है
डिस्क्राइब दी पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया। और ये जो पाठ्य सामग्री है हमने जिन स्रोत से ली है वो इस तरह से हैं। और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो हमने जानकारी ली है वो इस तरह से हैं। धन्यवाद।